अच्छी सीतामढ़ी जिला प्रखंड बथनाहा पंचायत पंथपाखर गांव दोस्तपुर यहां के 8-10 जीव को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन के लिए इन लोगों को अब तक आवेदन भी नहीं हुआ है। आवेदन करने के लिए इन लोग ने कई बार यहां का वार्ड सदस्य और यहां के प्रधान को कहे हैं, लेकिन उन लोग ने इनकी बात पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और इन लोगों का फॉर्म नहीं अब तक भरा है, जिस कारण इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, जबकि इन लोगों का उम्र 60 से लेकर 70 तक के बीच के वृद्ध हैं और इनमें से कई वृद्ध तो ऐसे हैं जो बीमारी का शिकार हो गए हैं। आगे की परेशानी है? हमरा तो परेशानी है, हमारे घर वाला तो आरो नहीं 10 बरस पहले से लगा एगो खरो नहीं लगे उठ के आ इलाज करावित करावित तंग तंग गेल जे हो रहले है 2-4 कथा से हो सब ऊपर हमरा कथी से करइए छोड़ देले छी अपन। तो आपने पेंशन मिले के लिए प्रयास मतलब की कैली, किनको किनको कहली पेंशन मतलब आवेदन भरा देवे ला? मुखिया के कहली, जिनो सबके कहली, सबको कहत रह तो कहते हुआ बन जाते होते ही हो। हम तो 3 साल से इलाज कर ही चाचा से परेशानी थी, दमा का पेशेंट के इलाज भेल, अइले चाची वीजा पिछा मिली वीजा के उसी दवा दारू चलती है, कमाई करी तो दवा दारू चल रही है, बेटा पुत्र अलग है। अब अपने काम कितना साल से न कर रहल छी? 4-5 साल से। 4-5 साल से अपने काम न कर रहल छी, मतलब अपने के दवा दारू में 1 महीना में कते खर्च हो जायत होते? कम से कम 15,000-20,000 कम से कम। कम से कम हाँ। हमरा है बाबा सिर के बीमारी, जे खाए छतन से उनका खून के द्वारा पखाना के द्वारा खून गिर जाए छे, न बड़ा उनका से काम धंधा एगो हो न कि अपने छी तो में जानवर में कमा के खाए छी। बेटा है 2 गो तो सब अपन अपन अलग अलग है। मैं चाहती हूँ कि जो समस्या इनके साथ है और यहाँ के गांव के लोग के साथ है, वह समस्या अब इन लोगों को साथ नहीं है और इसलिए मैं इन समस्या पर सवाल उठाना चाहती हूँ और इन यहाँ के समुदाय के साथ मिलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देने भी जा रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को पेंशन के लिए आवेदन हो और इनकी पेंशन मिले। इसलिए मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस नंबर पर फोन करें, जो नंबर है 9431818506। इस नंबर पर फोन करके पेंशन के आवेदन भरवाने में और पेंशन दिलवाने में मेरी मदद करें। मैं दूती, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहद की।